नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक रेसिपी लेकर आए हैं और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर खाया होगा। और ये शहरों में तो कम मिलती है लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा होती है। और ये मेरे ग्रो बैग में उग गई है, मैंने इस पर भिंडी बो के रखी थी तो उसी के साथ। पहले तो हम घास समझ रहे थे लेकिन जब इसको पत्ती तोड़ करके खा के देखा तो ये पता चला कि कुल्फा है। कुल्फा की डंडियां हम अक्सर पिंक कलर की होती हैं, थोड़ा लाल रंग की और खट्टी होती हैं, तो इन्हें डंडियों के साथ ही हम तोड़ते हैं और बनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत सारे इसमें विटामिन होते हैं और एकदम ये समझ लीजिए बिना किसी पेस्ट कंट्रोल और खाद के उगता है। इसकी खेती भी लोग करते हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ी थोड़ी डंडियों के साथ तोड़ लेते हैं। हमारे घर में तो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो बैग में उग गई है और बिना किसी खाद और पेस्ट कंट्रोल के, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एक बार मैंने इसको तोड़ के बना भी लिया है तो ये दोबारा से हुई है। और बहुत थोड़े से तेल में ये बन जाती है बिना किसी मसाले और अन्य कोई चीज़ डाले। ये मतलब दूसरी सब्जियों के साथ भी इसे बना सकते हैं, आलू के साथ या फिर दाल के साथ, और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और थोड़ी सी खट्टी होती है, खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। काफ़ी निकल आ रही है इसमें, बहुत ज़्यादा हो गई है। और एक मैंने टब में मिट्टी रखी थी तो उसमें भी काफ़ी कुछ उग गया है। और इसके बीज अपने आप ही झड़ जाते हैं और उगाते हैं। एक बार हो जाती है तो ये हर साल उगती है। और अब तो इसकी खेती भी किसान करने लगे हैं क्योंकि मार्केट में भी कभी कभी ये सब्जी दिख जाती है। थोड़ी सी और तोड़ लेते हैं हम दूसरे उससे गमले से। और यहाँ पे ये देखिए कितनी घनी उगी हुई है। इसमें से मैंने एक बार और तोड़ लिया था तो काफ़ी डाल निकल रही हैं नई नई और बहुत ही सॉफ्ट एकदम है। ये देखिए, तो कुछ और इसमें से तोड़ लेते हैं, काफ़ी है। और इसके बाद इसे हम 3 से 4 बार पानी से धो कर के साफ कर लेंगे। और लगभग आधा किलो तक निकल आया है। इसे हम पानी में डालकर धो चुके हैं और इसका थोड़ा सा देर रख देते हैं पानी झर जाए। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू काट कर लिए हैं और थोड़े से लहसुन और मिर्च। अब इसे काट लेते हैं बारीक। इस तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब कुल्फा की डंडियां बहुत जल्दी गल जाती, इनमें बिल्कुल रेसे नहीं रहते और एकदम से गलकर आप जितना बारीक काट पाए काट सकते हैं। इसे नोनिया भी बोलते हैं। कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाला। तेल को गर्म होने देते हैं। चेक करते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जब लाल हो जाए तो उसमें लहसुन और मिर्चा डाल देंगे और कोई भी मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्दी नमक डालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है एकदम से। आप और चाहे आप दाल चावल के साथ खाएं या रोटी पराठा किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसमें आलू डालकर इन्हें फ्राई करते हैं और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे
और आलू हम तब तक इसमें फ्राई करेंगे जब तक आलू थोड़े से लाल नहीं हो जाते। इन्हें भून लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए आलू हमारे ब्राउन ब्राउन एकदम गोल्डन रेड कलर हो गए हैं। तो अब हमारे आलू एकदम भूनकर तैयार हैं। अब हम साग डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसके बाद हम ढक देंगे और धीमी आंच में पकने देंगे। साग के पानी से ही हमारी सब्जी पक जाएगी। तो बीच में एक बार खोल कर देख लेते हैं, चेक करते हैं कि पका कि नहीं हमारा आलू को देखते हैं। आलू साग तो बहुत जल्दी गल जाता है, आलू में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारी सब्जी पक गई है। इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं और भून के एकदम सूंधा कर लेंगे। इस सब्जी को हमें धीमी आंच में ही पकाना है। और ये देखिए पानी पूरा जल गया है और एकदम से सूंधी हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, है ना एकदम आसान? कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों ने भी इस सब्जी को खाया है और आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि मैं जब नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले